हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू तेजल्स किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गुजराती बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता, जिसे कहते हैं हम खांडवी। लोगों को बहुत पसंद आती है, लेकिन बहुत कंप्लेन करते हैं कि हमसे अच्छी नहीं बनती, लेकिन हमें बहुत पसंद है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए कितनी स्वादिष्ट और पतली ब्यूटीफुल आप देख सकते हैं ऐसी पतली खांडवी कैसे बनाते हैं मिनटों में। थोड़ी सी ट्रिक्स है जो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो पूरा वीडियो देखते रहिए और देखिए खांडवी कैसे बनाते हैं। और आइए देखते हैं खांडवी बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेन टू इंग्रेडिएंट्स है उसमें, वो है चने का आटा, बेसन जो मैंने एक कप ले लिया है, और ये है मैंने दही में से छाछ बना ली है और वो है 3 कप्स। सो मेन टू इंग्रेडिएंट्स ये बेसन है 1 कप एंड 3 कप ये जो है वो छाछ है। और इसके साथ हमें चाहिए गार्निशिंग के लिए अनार के दाने, जो बिल्कुल ही ऑप्शनल है। और तड़के के लिए मैंने छोटी छोटी हरी मिर्च काट ली है और थोड़ा सा कड़ी पत्ता, और गार्निशिंग के लिए हमें थोड़ा सा धनिया चाहिए, और ये है थोड़ा सा श्रेडेड कोकोनट जो बिल्कुल ही ऑप्शनल है। तड़के के लिए हम थोड़े से राई के दाने, थोड़ा सा घोल में हम डालेंगे हल्दी पिंच ऑफ इट, और स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक। तो पहले जो मैंने ये 1 कप आटा ले लिया है वो हम एक बोल में ले लेंगे, और ये जो बेसन जो है वो छान के लेना है, और इसमें हम थोड़ा सा स्वाद अनुसार लिटिल बिट सॉल्ट विल पुट, अ पिंच ऑफ टर्मरिक, वो कलर के लिए, बहुत सुनहरा कलर आता है इसीलिए। और फिर ये जो मैंने पतली छाछ बनाई है तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो पहले ये हो जाएगा 1 कप, ये हमने डाल दिया है 2 कप, और आई टेक हाफ। पहले देखेंगे हम थोड़ा सा हाफ अ कप लेंगे, यस, और हम इसे अच्छी तरह से घोल को मिक्स कर देंगे। तो देखिए एकदम पतला सा घोल हो गया है रेडी हमारे लिए, और हम इसकी कंसिस्टेंसी देख लेते हैं। तो देखिए एकदम पतली कंसिस्टेंसी है। तो अभी जो हाफ कप जो था वो पानी में थोड़ा सा और उसमें ऐड कर देती हूँ, तो कढ़ी जैसी कंसिस्टेंसी इज गुड। तो लगभग हमने 1 कप बेसन में वी हैव पुट अराउंड 3 कप्स ऑफ छाछ, और छाछ की जगह आप पानी भी यूज कर सकते हैं। अब ये घोल रेडी हो गया है, इसे पकाने के लिए हम स्टोव पे ले जाएंगे। तो पहले हम 1 कप घोल लेंगे, पूरा घोल एक साथ नहीं डालेंगे, क्योंकि अभी पहली बार अगर आप कर रहे हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि हम 1-1 कप यूज़ करेंगे, और हम इसको अच्छी तरह से अब हिलाते जाएंगे जब तक ये घोल थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। अभी हिलाने के टाइम मुझे लग रहा है बहुत कम है मेरे बर्तन के हिसाब से, तो मैं 1/2 कप थोड़ा सा ज़्यादा डाल देती हूँ, और अब मैं इसको चलाते रहूँगी जब तक ये घोल थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। अभी 1 मिनट हो गया है इसे चलाते हुए, अभी देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर जो है वो गाढ़ा हो रहा है, यू कैन सी दैट। और इसको अकेला ना छोड़े, कंटिन्यूसली इसे हिलाते रहिए, क्योंकि तुरंत ही ये एकदम गाढ़ा हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाट द राइट कंसिस्टेंसी जब आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए आपको कंटिन्यूस इसके साथ रहना पड़ेगा और हिलाते रहना। देखिए कैसे गाढ़ा गाढ़ा हो रहा है सब। अभी 2 मिनट हो गए हैं, देखिए घोल की कंसिस्टेंसी गाढ़ी होती जा रही है। अभी मैंने स्टोव जो है वो हाई से थोड़ा मीडियम कर दिया है, जिससे कि मेरे कंट्रोल में रहे, बट मैं अभी भी इसे चलाते रहूँगी आफ्टर 2 मिनट्स। अब तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं, देखिए घोल की कंसिस्टेंसी एकदम गाढ़ा हो गया है। और अब आप क्या करें टेस्ट करने के लिए कि एग्जैक्टली हो गया है कि नहीं, एक ऐसी पतली सी कोई डिश रख लीजिए आपके हाथ में, और फिर थोड़ा सा घोल इसमें लगा के और उसको हम ठंडा होने देंगे।
तो अब हमने जो डिश में लिया था उसको थोड़ा सा आप करके देखिए, तो देखो धीरे धीरे से भी आ रहा है बाहर। ठीक है, एक बार और ट्राई करके देखते हैं, पर ये काम आपको बहुत जल्दी करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ले लीजिए, उसको ठंडा होने दीजिए। तो अभी थोड़ा सा ठंडा होने के बाद अगर हम इसको, हम इसके रोल्स बनाने हैं, तो अगर मैं करूँगी तो देखिए ये ऐसे बाहर, ऐसे चिपक के बाहर निकल रहा है। तो इफ़ इट इज़ कमिंग आउट दैट मीन्स योर घोल इज़ रेडी। ठीक है, अब आप इसको स्टोव के आप बंद कर दीजिए और अब हम इसे स्प्रेड कर देंगे। तो अब ये रेडी हो गया है। कोई भी एक स्टील की प्लेट ले लीजिए और स्टील की प्लेट के ऊपर कोई ग्रीसिंग नहीं करना है। तो थोड़ा सा इसमें घोल ले लूँगी मैं, और फिर जल्दी से, इसमें आपको थोड़ी जल्द करनी पड़ेगी, उसको अच्छी तरह से आप स्प्रेड कर दीजिए पूरे प्लेट के ऊपर। तो आप देख सकते हैं हमने जो 1.5 कप का जो घोल लिया था उसमें से लगभग मेरी 3 बड़ी प्लेट्स में स्प्रेड हो गया है। ठीक है, अब इसको ठंडा होने देंगे। अब हम इसमें ऊपर से लगभग 1-1 इंच के अंतर पे थोड़ी थोड़ी चाकू से ऐसे लकीरें कर लेंगे जिससे कि उसके पार्ट्स हो जाएंगे, और फिर हम इसे रोल करेंगे। तो कोई भी डिश में आप अब ये देखिए मेरा घोल जो है एकदम ठंडा हो गया है, मैंने जो स्प्रेड किया था और हमने चाकू से उसके ऊपर लकीरें भी लगा दी है। अब देखिए कैसे उसके निकालने की टेक्निक, ये ठंडा होने से ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अगर आपका घोल अच्छी तरह से पका है तो बस एक एज से स्टार्ट कीजिए और फिर जेंटली यू कीप रोलिंग इट एंड सी हाउ नाइसली इट्स कमिंग आउट। पूरा डिश नीचे से भी क्लीन हो जाएगा। तो इतना पतला लेयर एंड जस्ट कीप रोलिंग इट, और आपकी सर्विंग डिश जो भी है उसमें साइड में रख दीजिए। जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द एज थोड़ा सा, यस, और एक बार एज में से निकल गया फिर उसको आप हल्के हाथों से, जरा भी प्रेशर नहीं देना है कि बहुत ही पतला है। तो देखने में देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। तो ये आपकी हो गई खाने, और ऐसे आप पूरे डिश के रोल्स कर दीजिए। तो इस तरह से हम सभी रोल्स अच्छी तरह से रोल कर लेंगे, और देखिए कितनी पतली, कितनी प्यारी, मुंह में डालोगे तभी पिघल जाएगी ऐसे। तो पूरे डिश के ऐसे घोल, और ये डिश खत्म हो जाए तो दूसरी 2 प्लेट्स भी मैंने रेडी रखी है, उसके भी मैं रोल्स रेडी करके रख दूंगी। तो अब हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो तड़के के लिए मैंने 1 चम्मच तेल डाल दिया है, और तेल थोड़ा सा गर्म होने पर अब हम उसमें थोड़े से मस्टर्ड सीड्स, राई के दाने डाल देंगे छोटी सी चम्मच, और जैसे ही वो चटकने लगे, जो भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा और चटक रहे हैं, तो मैं उसमें हरी मिर्च, ग्रीन चिली वो आपके स्वाद के अनुसार, और थोड़े से कड़ी पत्ता, और ये हमारा तड़का हो जाएगा रेडी। और ये जो तड़का रेडी है हम इसको इसके ऊपर ऐसे ही जो हमारे रोल्स बने हैं उसके ऊपर अच्छी तरह से ऐसे फैला देंगे। और ये रोल्स जो हमने 1.5 कप जो घोल बनाया था उसी के हैं, अभी दूसरा घोल बाकी है। तो इसको अच्छी तरह से गार्निशिंग कर लेंगे, और इसके साथ गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा श्रेडेड कोकोनट, जो ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हो, ना हो तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। और मेरे पास थोड़े अनार के दाने भी हैं तो वो भी मैं डाल दूंगी। बच्चों को वैसे भी अच्छी कलरफुल गार्निश चीज़ होती है तो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है खाने के लिए। तो और धनिया, धनिया इज़ ऑलवेज अ मस्ट, करेक्ट? कोई भी चीज़ हो धनिया बहुत अच्छा दिखता है उसमें। तो देखिए ये हमारा रेडी हो गया है, बहुत ही अच्छा खांडवी, देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल।